अध्यक्ष काष्ठभाई महासंघ और राज्य निमंत्रक आरक्षण हक्क कृती समिति। यह आरक्षण हक्क कृती समिति 230 सामाजिक और कामगार संगठनों की बनाई हुई है और इस संगठन की तरफ से, इस कृती समिति की तरफ से 3 अक्टूबर को एक विराट जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो हुकुमशाही है, जो दड़पशाही है, उसके खिलाफ में यह आंदोलन हो रहा है। मित्रों, इस आंदोलन में, इस मोर्चा में आप अपने परिवार सभी के साथ शामिल हुई है, क्योंकि अभी ये लड़ाई खाली अपने वर्ग की नहीं है, ये संविधान बचाओ की लड़ाई है, क्योंकि संविधान हमारी आन है, संविधान हमारी शान है। इसलिए संविधान के ऊपर ये कुठाराघात करने वाले, ये आज के सरकार के लोग, इनको सबक सिखाना है। आपको मालूम है बिल्किस बानो प्रकरण में जिस प्रकार के गुनहगारों को छोड़ा गया और कुछ लोगों ने ये ब्राह्मण संस्कृति अच्छी होने की वजह से उनको माफ किया और उनको पेड़े बांटकर उनका सत्कार किया है, ये जो धारणा ये लोग फैला रहे हैं, ये ब्राह्मणी संस्कृति का प्रसार कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में ब्राह्मणशाही और भांडवलशाही से आप सतर्क रही है, भांडवलशाही आज जोर से बढ़ रही है, ब्राह्मणशाही आज जोर से बढ़ रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, समाज नींद में है, इस समाज को जागना है। वो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान 4 जगहों से 4 संविधान को एक मिला के किया है, लेकिन ये संविधान ही उनको अभी खतरे में लग रहा है, क्योंकि उनको उनकी ब्राह्मणी व्यवस्था लाने के लिए ये संविधान उनको अड़थड़ा आ रहा है। इसलिए संविधान को बदलने की भाषा कर रहे हैं, इसलिए ये संविधान की रक्षा में हमको खड़ा होना चाहिए। वो ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने संत तुकाराम को मार दिया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से रोका था, ये वो लोग हैं जिन्होंने शव महाराज को तांत्रिक मंत्र वो रोके थे, यानी ये लोग हैं, ये वो तुम्हारे राजा को नहीं मानते, ये तुम्हारे शव को नहीं मानते, ये तुम्हारे महात्मा फुले को नहीं मानते, ये सारे लोग हमारे महामानव, इनको ये लोगों ने कभी भी सम्मान नहीं दिया है, ये उन लोगों को सम्मान देते हैं जिन्होंने इस देश से गद्दारी की है। इन गद्दारों को अगर सबक सिखाना है तो भाई और बहनों, ये 3 अक्टूबर के मोर्चा में हम सबको साथ आना है। हमको आज जिस प्रकार निजीकरण की वजह से सारा माहौल बिगड़ गया है, 10 साल से नौकरियां नहीं हैं, 10 साल से नौकरी नहीं होने के वजह से बेरोजगार तरुणों को बढ़ोतरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनमें नैराश्य आ रही है। जो किसान आंदोलन हुआ था, किसानों के जो कानून इन्होंने बनाए थे, वो कानून की वजह से किसान रास्ते पर आया था, लेकिन इन्होंने अभी उनके डर से अब कानून बना रहे हैं। कामगार कानूनों को जो 26 कारण का कानून थे उसको 4 में बांट के लगाए इन्होंने, कामगार कानूनों की धज्जियाँ उड़ा दी है इन्होंने, आरक्षण की धज्जियाँ उड़ा दी है, न्यायालय भी हमारे नहीं है, न्यायालय उन्हीं लोगों को न्याय देते हैं जो इन लोगों को तरफ से न्याय निवाड़ा करते हैं। इसलिए हमारा ना न्याय निवाड़ा करने वाला कोई है, ना हमारा कोई हक देने वाला है। हम बाबा साहब ने हमें 2 बात कही थी, 1 वोट 1 वैल्यू का हमको ये अधिकार दिया था, उसको हमने जाना नहीं, और वो अधिकार को हम गैर वापर कर रहे हैं। ये लोगों को जो ब्राह्मण शाही के हस्तक हैं उनको हम चुन के दे रहे हैं। हम हमारा वजूद बढ़ाएंगे, हम हमारा वोट की ताकत दिखाएंगे, सब OBC SC ST हम साथ लड़ेंगे। OBC का जातिगत जनगणना हो नहीं रही है, वो इसलिए नहीं हो रही कि अगर वो जातिगत जनगणना अगर डिक्लेयर कर दी तो इनकी पूरी पोल खोल हो जाएगी, क्योंकि वो हक मांगेंगे। अगर OBC ने हक मांगना शुरू कर दिया तो ब्राह्मण से खत्म आ जाएंगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा, मंदिरों में दान देना बंद कीजिए, इनका जिनका पेट उसके ऊपर है, ये सारी बातें हैं।
जिसको हमको आगे लाकर हमें लड़ना है। आप आइए 3 अक्टूबर के मोर्चे में शामिल हुए। धन्यवाद।